इससे मैं तो आपका पुत्र हूँ और पुत्र तो गुलामी की लाठी होता है। इससे मैं इधर अंदर 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 पहले इधर आ जा जा मेन चेक कर ले। दो मिनट दो मिनट देख लिए और चुप करके कहने लगे, बाबा समाधान बताओ तो कैसे बताऊं, आपने मानना तो है नहीं, यदि आपको भी बात कहता हूं तो आप मेरी बात सुनते थोड़े ना हो। बाबा कहने लगे, नहीं नहीं तू तो मेरा नन्ना सा बाल गोपाल है, तू तो मेरा आज्ञाकारी पुत्र है। इधर नंद बाबा कहने लगे, देख काना तेरी बात से मैं सहमत हूँ पर तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। इस बाल गोपाल को मान गए परंतु नटखट है ना, दिमाग में युक्तियां चलती रहती हैं। अभी चले ब्राह्मण देवता के पास, अरे कल चले जाएंगे, कल जाकर आराम से बात कर लेंगे। पर बाल गोपाल कुलांची भरता हुआ बड़ा प्रसन्न है, मन हर से फूलन उन्होंने अपना घर का दरवाजा खोला और कहने लगे, अरे ये तो नंद जी का पुत्र काना है, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो जैसे ब्राह्मण देवता कहने लगे, लगता है कोई खास बात है, यदि आप ना मेरी बात मान जाओगे तो मैं आपको बहुत सारा इनाम अपने पिताजी से दिलवाऊंगा। भाग जाएंगे। इधर विप्रवर जानते थे कि ये बाल गोपाल जो कहता है वो सच होता भी है, छोटी सी उम्र में इसने पूतना, इधर यदि इसने गौएं खोल दी और हम ब्राह्मणों का तो जीवन खराब हो जाएगा। थोड़ा चाय पी रहे हैं, उन्होंने सम्मान से नशे थे देना ही मुगा दे इस वेड़े दे बैठे हुए सारे धर्म प्रेमी सज्जन मातावा भैना दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के पूजनीय स्वामी विज्ञानानंद जी, स्वामी नीरजानंद जी, अलोचन सिंह गिल जी, इस समय की जी जरूरत है उसको ध्यान के रख के असी अपनी गौशाला उस हिसाब से ढाल है। गऊ जी है जिते साडे वास्ते एक आस्था का प्रतीक है। अज भी असी कोई जिसका स्वामी जी कथा सुना रहे थे, असी कोई टीवी ते सीरियल देखते हैं, कोई लग गए।